उत्तर प्रदेश में जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहीं कानपुर नगर का एक परिवार भूमाफियाओं के डर से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि ये पूरी दास्तान कानपुर नगर के विजय शंकर नाम के व्यक्ति की है। पीड़ित का परिवार बहुत गरीब है और ये परिवार पतंग बनाकर जो पैसा कमाता है उससे जीवन को किसी तरह चलाता है। पीड़ित ने बताया कि उसकी पुश्तैनी जमीन है जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। पीड़ित ने किसी तरह अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट कर कानपुर के थाने बर्रा में उन माफियाओं पर मुकदमा दर्ज कराया, परंतु महीने बीत गए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने बताया कि अधिकारियों के चक्कर काटते काटते उसके पिताजी का पिछला महीने स्वर्गवास भी हो गया। इन्हीं भूमाफियाओं से तंग आकर अब पीड़ित उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगा रहे हैं, या तो हमें हमारा अधिकार दिला दे, नहीं तो हमको भी मर जाने दे। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश में हर भूमाफियाओं पर बुलडोजर गरज रहा है, तो कानपुर प्रशासन सवालिया के घेरे में नजर आ रहा है। विश्व बैंक बर्रा निवासी मोहन लाल की शिकायत पर शासन के निर्देश पर इस मामले की जांच हुई और बाद में यहां रामलखन रावत और केडीए के सर्वेयर राकेश रावत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। 27 दिसंबर 2022 को एफआईआर दर्ज लिखी गई थी। अब मोहन लाल इस दुनिया में नहीं है, उनका बेटा विजय शंकर अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, भुगतान खाते में नहीं गया। विजय ने कहा कि कमिश्नर साहब, मेरे पिता के साथ बड़ा छल हुआ है। यहाँ कहा गया था कि 70 लाख का मुआवजा केडीए यानी कानपुर विकास प्राधिकरण ने बनाया है, दिलवा देंगे, जमीन बेच दो। रजिस्ट्री में जो चेक नंबर डाले गए उनमें से भी किसी का भुगतान खाते में नहीं किया गया, जिस खाते में गया उसमें रकम दिलवाए। रामलखन रावत और राकेश रावत के खिलाफ कार्रवाई करे। पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी साउथ को जांच करने के निर्देश दिए थे। पुलिस कमिश्नर के निर्देश के बावजूद पीड़ित अधिकारियों के यहाँ दर दर न्याय की गुहार लगा रहा है। डीसीपी साउथ सलमान ताज पाटिल ने बताया कि संबंधित प्रकरण की विवेचना कर दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। आपका विजय शंकर राजपूत, क्या मामला हो गया है आपका? अरे हमारा मामला यही का था, प्लाट का, 400 गज का प्लाट था। तो केडीए के लोग हैं, राकेश रावत, रामलखन रावत, आनंद कुमार, प्रकाश सिंह, ये लोग हमारा प्लाट लिखा लिया, इन पैसे नहीं दिया, इन जबरदस्ती बोले केडीए का है, ये सब ले गए। तो हमने यही सामान पता लगाया, पिताजी सामान दौड़ते रहे, उनको धमकी दी, वो खत्म हो गए अभी 3 फरवरी को। अब हमको भी धमकी दी जा रही है कि ये केस वापस ले लो, नहीं तुमको भी ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हम लोग, हम यही चाहते हैं, सामान दौड़ते रहे, सामान गए, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, वो मुलजिम ऐसे घूम रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मेरी ऊपर तक थोड़ी आवाज़ जानी चाहिए कि हमको न्याय मिलना चाहिए। योगी जी से यही कहना है, हमको न्याय मिलना चाहिए, नहीं हमको भी आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं वो लोग, हमारा परिवार कहाँ जाएगा।